हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर। आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको लेट नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। सबसे पहली बात कि आपको कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन से नहीं पढ़ना है, मतलब ऐसा डिसाइड करके ना बैठे कि नाइट में पढ़ने का मतलब रात को 11 से 3 या 4 बजे तक पढ़ें। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ इसे ही नाइट रीडिंग में काउंट करें। खाने के बाद के टाइम को हम नाइट के पढ़ने में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड यही हम आज बात करेंगे कि नाइट में आफ्टर डिनर कैसे पढ़ना है, क्योंकि नाइट में पढ़ने का टाइम सबके लिए अलग अलग होता है। कोई 8 बजे डिनर कर लेता है तो कोई 10 बजे डिनर करता है, पर उसका रीडिंग एग्जैक्ट डिनर के बाद स्टार्ट होता है। एंड दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्वांटिटेटिव मत पढ़ो, क्वालिटेटिव पढ़ो। तो चलो बात करते हैं कि नाइट में कैसे इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नाइट में पढ़ना सही है या नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख लो, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपको कौन से टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए। सो अब बात करते हैं कि नाइट में इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करनी है। दोस्तों, जैसे ही आप अपना डिनर खत्म कर लो, आप सीधे बेड पे ना जाए ये सोच के कि चलो यार 5 से 10 मिनट आराम कर लेता हूं, क्योंकि पूरा दिन पढ़ाई से थका हुआ हूँ एंड अभी भी 4-5 घंटे और पढ़ना है, तो सिर्फ 5-10 मिनट की नैप ले लेता हूँ। नहीं दोस्तों, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि एक तो पूरा दिन पढ़ के आप थके हुए होंगे, ऊपर से खाना खाने के बाद तो जल्दी नींद आती है। तो खाना खाने के बाद आप कभी भी आराम करने के लिए ना जाएं, क्योंकि कई बार तो ऐसा होगा कि आप उठ ही नहीं पाओगे। सो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, लेट नाइट पढ़ने के लिए आपको 10 से 15 मिनट की नैप चाहिए, तो वो आप नैप डिनर के एग्जैक्ट पहले ले लो, क्योंकि खाने तो आप उठने वाले हो ही, तो मम्मी को बोल दो कि 10 से 15 मिनट की नैप के बाद आपको डिनर के लिए उठा दे। तो इससे आपको नैप भी हो जाएगी एंड खाना खाने के बाद आपको अब आराम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप खाना खाने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली 15 से 20 मिनट चलते चलते पढ़े, जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी एंड आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, जिससे आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। ये बात हमने पढ़ते समय नींद को कैसे भगाए उस वीडियो में बताई थी, तो आप वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि अगर आपको लेट नाइट में पढ़ना है तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद से होगी। सो वो वीडियो से आप नींद से 100% बच पाओगे, क्योंकि नींद में पढ़ने से तो बेटर है कि हम सो जाए, बट अब सोने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर कुछ करना है तो जागना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो चलते चलते पढ़ना खत्म करने के बाद आप अपने स्टडी टेबल पे जाके पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो या कोई ऐसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको नींद आ जाए। अब मैं बात करना चाहूंगा परफेक्ट लाइटिंग के बारे में। अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप लाइटिंग का कुछ नहीं कर सकते, मतलब अगर आप हॉस्टल में या पीजी में रहते हो तो ठीक है, पर अगर आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आपके रूम में या फिर आपके स्टडी टेबल के आजू बाजू में ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग हो, क्योंकि अगर कम लाइटिंग होगी तो थोड़ी देर के बाद आपकी आंखें जलने लगेगी, आपको किसी भी चीज को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम ना हो एंड आपको जल्दी से नींद भी ना आ जाए। ये तो हमने बात की कि कैसे पढ़ना है, पर अब हम बात करते हैं कि क्या पढ़ना है। देखो दोस्तों, रात में नींद आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप रात में पढ़ने के लिए वही पोर्शन रखो जो इजी है या आपको जो सब्जेक्ट या टॉपिक करने में मजा आता हो, जिसे उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड आपको नींद भी नहीं आएगी। एंड कभी भी ये मत सोचना यार कि कैसे पूरी दुनिया सो रही है एंड मैं बेवकूफ अभी भी जाग के पढ़ाई कर रहा हूं। पर दोस्तों, यही टाइम है अपने लिए कुछ करने का। अभी जागोगे जब तक अच्छी जॉब या बिजनेस ना मिल जाए, तो फिर पूरी लाइफ चैन से सोना ही है। तो चैन से सोना है तो अभी से जाग जाइए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो हेल्प में आ सके। सब्सक्राइब करें स्टडी बडी क्लब को, जिसे आपको ऐसे अच्छे वीडियोस की अपडेट इजीली मिलती रहे। एंड फाइनली, थैंक यू सो मच।